तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज के तीसरे मैच को लेकर काउंटडाउन शुरू हो चला है। दरअसल कुछ घंटों का इंतजार और फिर इंदौर में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर आमने सामने होने वाले हैं। फिलहाल भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे है और अब इरादा इस बढ़त को और बड़ा करने का है। ऐसे में प्लेइंग 11 का कॉम्बिनेशन अहम हो जाता है। क्या भारत पहले 2 टेस्ट की प्लेइंग 11 के साथ ही उतरेगा या फिर इंदौर में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? प्लेइंग 11 को लेकर सबसे बड़ा सवाल भारतीय टीम के मैनेजमेंट के सामने केएल राहुल को लेकर भी है। क्या एक और मौका केएल राहुल को मिलेगा या फिर शुभमन गिल को प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा? टीम इंडिया के नेट से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे देखकर केएल राहुल और शुभमन गिल के बीच में मामला 50-50 का लग रहा है। दोनों ही खिलाड़ी अभ्यास करते हुए नजर आए, दोनों पर टीम के हेड कोच की पैनी निगाह रही। शुभमन गिल ने अभ्यास के दौरान आक्रामक रवैया दिखाया तो वहीं राहुल ने अपने डिफेंस पर अधिक ध्यान दिया। हालांकि एक चीज जो गिल के खेलने की ओर भी इशारा करती दिखी वो रही राहुल द्रविड़ का उन्हें खुद से गेंदबाजी कर बल्लेबाजी का अभ्यास कराना। इन दोनों में से टीम मैनेजमेंट किसको चुनता है और किसको बेंच पर करता है इस पर सबकी निगाहें होंगी। मिडिल ऑर्डर में कोई बदलाव होने के चांस नहीं है। पुजारा, कोहली और अय्यर पर मिडिल ऑर्डर को मजबूती देने का जिम्मा इस बार भी रहने वाला है। विराट से उम्मीद यहां पर बड़े स्कोर की होगी। अभी तक वो सीरीज में खेली 3 पारियों में 76 रन ही जोड़ पाए हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनके बल्ले से शतक निकले 3 साल से ज्यादा हो चला है। पहले 2 टेस्ट में बल्ले से कोई कमाल नहीं दिखाने के बावजूद केएस भरत को इस मैच में भी मौका मिलना तय माना जा रहा है। भरत नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। गेंदबाजी डिपार्टमेंट का अगर जिक्र करें तो टीम इंडिया कोई भी बदलाव करने वाली नहीं है। आर अश्विन और अक्षर पटेल न सिर्फ शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं बल्कि पहले 2 टेस्ट में बल्ले से भी इन दोनों ने अहम योगदान दिया है। अक्षर ने नागपुर में 84 और दिल्ली में 74 रनों की पारी खेली, जबकि अश्विन ने नागपुर में नाइट वॉचमैन बल्लेबाज के तौर पर 23 और दिल्ली में 37 रनों का योगदान दिया। वहीं शमी और सिराज ने स्पिनर्स के लिए मददगार पिच पर भी कई मौकों पर टीम को जरूरी सफलता दिलाई है। तो गेंदबाजी में किसी भी तरह के बदलाव की उम्मीद नजर नहीं आती है। ऐसे में प्लेइंग 11 जाहिर तौर पर जो पिछले दो मैचेस में देखने को मिली है वैसी ही हो सकती है। बस बदलाव केएल राहुल और शुभमन गिल में नजर आ सकता है और संभावना यही जताई जा रही है कि टीम शुभमन गिल के साथ जा सकती है। लेकिन क्या वाकई में एक और मौका केएल राहुल को मिलता हुआ नजर आ सकता है? ये भी एक अहम विषय है, एक अहम सवाल है, लेकिन ये जरूर देखने वाली बात होगी क्योंकि महज कुछ ही घंटे रह गए हैं जिसके बाद प्लेइंग 11 सामने आ जाएगी और कौन शख्स इस मैच में रहने वाला है। क्योंकि पिछले 2 मैचेस में केएल राहुल को मौका मिला, उसके बाद भी वो विफल साबित हुए और तमाम तरह के सवालात उस पर उठते रहे थे। सोशल मीडिया के जरिए भी टीम मैनेजमेंट पर सवाल उठे थे, तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी उन पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे। तो इस बार मैच में, नागपुर के मैच में किसको जगह मिलती है ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई अपडेट आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। अगर ये आपको अपडेट पसंद आई है, अगर आप वीडियो अगर हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पेज को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन।